बट वो सही हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस तरह से ज्यादा फ्रेश फील करते हो काम करते हुए. एनी वे गाइज, क्रिसमस से रिलेटेड जो है वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमें सजेस्ट की गई है. टाइटल क्या बताएंगे? मौसम. टाइटल है क्रिसमस चेयर एट पीएम मोदीज रेजिडेंस विद प्रोमिनेंट क्रिश्चियन पर्सनालिटीज. तो चलिए देखते हैं ये वीडियो. लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को. उसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक उस रकम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो. I'm not somebody who's normally short for words, but when I got the invitation, I for a few seconds I just froze. I didn't know if somebody was pulling a prank on me. I was looking forward what they said the moment I got a call that there's an invitation from Prime Minister. So I was excited to see what it will be all. मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाता हूँ, हमेशा. और इस बार जब ये निमंत्रण आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए मुझे. वेलकम टू एवरीबॉडी. आई वाज हैप्पी दैट आई केम. एवरीबॉडी फीलिंग वन फैमिली. एंड आई वाज पर्टिकुलरली हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, एटीट्यूड, वार्मथ, फ्रेंडलीनेस. He spoke about the contribution of the Christian community. Friends, Christmas वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं. ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है. पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें. I was so impressed with our leader, Mr. Modi, and one is how well he connected to all the speakers' speeches. He actually responded to some, and he also educated some of us. Education और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. साथियों, एक बार फिर हम कामना करते हैं कि फेस्टिव सीजन हमें एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत करें, सभी देशवासियों को और करीब लाएं. The Prime Minister invited us, and it was his initiative to host this Christmas gathering here in his place and at his residence, which has never happened probably before. This is the first time I'm meeting the Honorable Prime Minister, and he comes across as such a warm and wonderful person. No airs about him. He's cool, if I may use the word which my students use. I've seen sir multiple times before also. But I got a chance to deliver speech in front of Prime Minister about sports. That was something exciting. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब समय निकाल करके आए और आप मुंबई से स्पेशली उस आयु में भी दौड़ करके आए. वैसे मुझे आप में से कईयों के निरंतर आशीर्वाद मिलते रहते हैं, मुलाकात, मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन आज सबको एक साथ मिलने का मौका मिला. मैं इन बच्चों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ. उन्होंने आज के हमारे इस पर्व को अपने स्वर से, अपनी भावनाओं से और मजबूत बनाया है. इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद.
वैसे क्रिसमस जो है वो गुजर चुकी है, लेकिन जो है ना ये वीडियो देख के मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, जिस तरह पीएम मोदी जी ने जो है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से जो है, खासतौर पर मुंबई का बीच में जिक्र किया गया, वहाँ से जो है जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो है पर्सनैलिटीज़ आई और उनसे जो है बातचीत की। और मुझे जो है ना पीएम मोदी जी की एक बात जो है वो बहुत अच्छी लगती है कि वो जब भी किसी कम्युनिटी से मिलते हैं ना तो उनकी जो होली स्क्रिप्चर्स होती हैं या होली बुक होती है उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर उनके साथ शेयर करते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि अगला बंदा जो है वो आपके साथ कनेक्शन एक फील कर पाता है, वो आपको ज्यादा और गौर से सुन पाता है और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर। और मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल एडमायर करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन देखा है। अगर मैं तो बोलूंगी कि अगर हम लोगों ने एथलीट्स के साथ भी देखा है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी आप देख लो, लेकिन ये कि उनका जो मतलब इंटरेक्शन करने का स्टाइल है उसमें वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पैदा कर देते हैं। और मेरे ख्याल में एक अच्छा स्पीकर जो है वही होता है जिसको पता हो कि लोग उसको किस तरीके से सुनेंगे। बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरीके से एक उन्होंने इनवाइट किया डिफरेंट जो नोटेबल पर्सनालिटीज़ हैं उनको, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे या फिर हम लोगों को सिस्टर थी या फिर हम लोगों को एक्टर नज़र आए बीच में, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि लाइक सब लोगों को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया जाता है। और डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसमें भी यही मैसेज दिया कि लाइक एक नेशन होकर इसको मज़ीद हम लोग जो है अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप की तरफ से जब आपको ऐसा मैसेज मिलता है, कन्वे होता है, और वो भी स्पेशल ओकेजन पर, तो उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है लोगों पर। और वो चीज़ जो है वो हम लोगों को इसमें नज़र भी आई। और वहाँ यहाँ पर वैसे थोड़ी सी डेकोरेशंस की भी बात करी, मुझे बहुत क्यूट लगी, इवन के जो छोटी छोटी चीज़ें टेबल्स पर रखी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। और फिर उसके साथ साथ आई थिंक खाने पीने का भी अहतमाम किया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक और चीज़ जो है ना उनकी स्पीच में बहुत अच्छी लगती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं उनका जो सोसाइटी में एक रोल जो होता है उसके ऊपर जो है ना वो बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंस जो है वो उनकी जो है बताते हैं। वैसे अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करूँ ना, तो एक चीज़ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो क्रिश्चियन है, तो भाई एक तो जो है ना पढ़े लिखे होते हैं, उनके जो स्कूल होते हैं ना खासतौर पर जो कैथेड्रल होते हैं वहाँ पर जो एक पढ़ाने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली जो है आपको दिखाई देता है। नो डाउट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर ठीक है बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि भाई आप इतने ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं ना उन्हें आप यूटिलाइज नहीं करते और उन्हें अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जाना पड़ता है। मुझे ये लगता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे अभी मौज़म ने डिस्कशन स्टार्ट कर ही दिया, तो मुझे लगता है कि ना यहाँ पर जो एक त्योहार है डिफरेंट कम्युनिटीज के, उनको देखो जो लीडरशिप है जब वो एड्रेस करती है ना और उसको वो सेलिब्रेट करती है। अब जैसे पीएम मोदी जी ने अपनी रेजिडेंस पर इसको मतलब किया, सेलिब्रेट किया, ये बहुत डिफरेंट मैसेज देती है। ठीक है, तो लीडरशिप का इसलिए मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि वो जैसा करेगी लोग वैसे वैसे फॉलो करेंगे और लोगों, हालांकि पाकिस्तान में आपको क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट होते हुए नजर आती है डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में, या फिर पार्टीज होती हैं, सब कुछ होता है। बट जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, क्या वो भी उसको सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से? आई थिंक ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, या उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि हमें सेलिब्रेट करना है। ऑल्दो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि बड़े शहरों में ये एक बहुत ज़्यादा रुझान बन चुका हुआ है कि लोग जाते हैं 25 दिसंबर को बाहर और आपको यू नो एक सेलिब्रेशन हाँ देखने को। मैं भी गया हुआ था, मैंने देखा था काफी ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर मतलब आए हुए थे, डेकोरेशन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है डिफरेंट मॉल्स में, लेकिन ऑन द अदर साइड आपको छोटे शहरों में ये चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को आपको ट्रेन करना पड़ता है और ये एक बहुत अच्छा जो है वो मैसेज जा रहा है। बाकी आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और इसी के साथ videos, share, and keep us in your prayers. Goodbye.